शिवसेना से निकाले पसंदे गुट नाराज, कहा नोटिस आपत्तिजनक, हम जवाब देंगे। ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद को जुबैर की कोर्ट में पेशी, पुलिस ने जोड़ी तीन नई धाराएं, न्यायिक हिरासत की मांग। कानपुर हिंसा में उपद्रवियों के बाद पुलिस कर्मियों पर गिरेगा आज दो थानेदार सस्पेंड, एक लाइन हाजिर। अखिलेश यादव ने डॉक्टर कफील खान की पुस्तक का किया विमोचन, अस्पतालों की बताई सच्चाई। पंत जडेजा के नाम रहा बर्मिंघम टेस्ट का पहला दिन, छठे विकेट के लिए इंग्लैंड के खिलाफ सबसे बड़ी साझेदारी, टीम इंडिया का स्कोर 338 के साथ। प्राइम उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं खबरों की, जहां एक और सर्व शिक्षा अभियान के तहत बच्चों को पढ़ाने के दावे किए जा रहे हैं, तो वहीं सरकार के आदेशों की अनदेखी भी की जा रही है। अलीगढ़ में सरकारी अध्यापकों के द्वारा हर रोज लापरवाही का सामना ग्रामीणों को करना पड़ रहा है। यही कारण है कि आज गुस्साए ग्रामीणों ने अध्यापकों की लापरवाही को लेकर आक्रोश व्यक्त किया है। प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों के द्वारा विद्यालय के गेट पर ताला जड़ दिया गया है, उसके बाद ग्रामीणों ने जमकर प्रदर्शन किया। मनोज कुमार, कहाँ पढ़ाते हैं आप? गोकुलपुर प्राथमिक विद्यालय। हाँ, कौन है आप वहाँ गोकुलपुर में? है टीचर। ये स्कूल पर ताला लगाया, क्यों लगाया है ग्रामीणों ने? ये ताला लगाया है, क्या कारण है? आप पर ये आरोप भी लगा रहे हैं जी? आप पर आरोप भी लगा रहे हैं क्या? आप टाइमिंग से नहीं आते है? लेट आते हैं आप। और उन्होंने पूछ लिया था, तो हम लेट आ रहे हैं। तो आज को टाइम दे दो है, आज कोई दे दो। चौपर साहब, उन्होंने पूछ लिया था, तो लेट आ रहे हैं। आज कोई दे दो, 7:30 का टाइम, 8:30 बजे। आज कितने बजे आए थे आप? आज मतलब गाड़ी खराब है, अचानक। कितने बजे आए थे? टाइम तो मैंने देखा नहीं था, 8:30 बजे आए थे आप स्कूल पर। स्कूल पर सुबह से ताला लगा हुआ है, किसी अधिकारी को आपने अवगत कराया? किया है मैंने। अच्छा, इसको क्या क्या जवाब मिला? जवाब नहीं मिल रहा है उनका। क्या बोले? अभी जवाब नहीं आया। विद्यालय गोकुलपुर में सहायक अध्यापक के पद पर स्कूल में हो रही अनियमितता के कारण, यानी कि हेड सर कभी पढ़ाते नहीं है, MDM कभी अच्छा बनता नहीं है। जब हेड सर कुछ कहते हैं, मैं उनका विरोध करती हूँ इस चीज़ का, गलत काम का, तो हम लोगों में लड़ाई झगड़े होते हैं इस चीज़ को लेकर। और कई बार गांव वालों ने 2 साल से ऑनलाइन भी कंप्लेन कर दी है, लिखित में भी दे दी है। हमारे स्कूल की चेकिंग भी कई बार हो चुकी है, ABSE सर भी आ चुके हैं, उनके और भेजे गए आदमी वगैरह भी आ गए हैं, लेकिन इसका कोई भी निस्तारण नहीं होता है। और परसों MDM बहुत ख़राब बना था, सर ने सड़े हुए टमाटर वगैरह डाल दिए थे, जिससे ग्रामीण लोगों में बहुत गुस्सा थे, और उन्होंने कहा कि हम क्या अपने बच्चों को मरने के लिए भेजते हैं। इस कारण उन्होंने ताला लगाया विद्यालय पर। 5 बजे 64 से लेकर 68 बच्चे थे, सबके ना पढ़ाने के कारण, या यहाँ पर जैसे शौचालय वगैरह नहीं है, कोई सुविधा ना होने के कारण बच्चे दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं। वर्तमान में 48 बच्चे हैं। अब जल्द ही प्राथमिक विद्यालयों में होने वाले पठन पाठन में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। दरअसल CM योगी ने IAS और IPS अफसर, सांसद और विधायकों से परिषदीय स्कूलों को गोद लेने की अपील की थी, और CM की इसी अपील पर अब जनप्रतिनिधि और सक्षम अधिकारी आगे आने लगे हैं। इसी क्रम में SIT बतौर DIG सेवा दे रहे बुलंदशहर के मूल निवासी IPS अमित वर्मा ने बुलंदशहर के DM चंद्रप्रकाश सिंह को पत्र लिखकर लखवटी ब्लॉक में स्थित अपने पैतृक गांव बहादुरपुर पसौली के प्राथमिक विद्यालय को गोद लेने की इच्छा जाहिर की है। IPS अमित वर्मा ने DM को भेजे पत्र में बताया कि विद्यालय को वो गोद लेना चाहते हैं, उसमें उनके पिता ने जमीन पर बैठकर शिक्षा ग्रहण की थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और जो मुझे पता चला सुबह जब हम स्कूल के लिए तैयार हो रहे थे, तो हमने बताया कि हमारे स्कूल को कोई IPS अमित वर्मा जी गोद लेने वाले, तो हमारे पिताजी ने बताया कि उनके पिताजी भी आपके स्कूल में ही पढ़े हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, उनके आने से और अच्छी होगी। मुझे ये जानकर बहुत हर्ष हो रहा है कि इस विद्यालय को इतने बड़े DIG साहब गोद ले रहे हैं, और ये बताते हुए भी हर्ष हो रहा है कि हमारे बच्चे भी बहुत
खुश हैं इस बात को लेकर कि हमारे स्कूल की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। श्री अमित वर्मा जी हैं जो आजकल पुलिस उप महानिरीक्षक हैं SIT में, वो यहाँ के रहने वाले हैं और उन्होंने अपने पैतृक गांव में लखौटी ब्लॉक में उसको प्राइमरी स्कूल को गोद लिया है। हम सभी जानते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जितने जनप्रतिनिधि हैं और जितने अफसर हैं उनको एक एक विद्यालय गोद लेना चाहिए और वहाँ के उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में और शैक्षणिक जो वहाँ का वातावरण उसमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए काम करना चाहिए। श्री अमित वर्मा जी ने बहुत ही सराहनीय काम किया है और मैंने उनका जो पैतृक गांव का विद्यालय है उनको आगरा थाना ताजगंज क्षेत्र में हुए ब्लॉगर मर्डर केस में नए नए खुलासे हो रहे हैं। ब्लॉगर ऋतिक हत्याकांड में अब एक नया वीडियो सामने आया है। वायरल हुए वीडियो फ्लैट के अंदर का है और फ्लैट के हर कोने में सामान बिखरा पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। वायरल हुए वीडियो के जरिए अंदाजा लगाया जा रहा है कि ऋतिका को फ्लैट में फेंकने से पहले अंदर जमकर हाथापाई हुई थी। तो एक नया वीडियो इस केस में सामने आया है जहां पे फ्लैट के अंदर का ये वीडियो बताया जा रहा है जिसमें चारों तरफ सामान बिखरा हुआ नजर आ रहा है और ये अब अंदेशा लगाया जा रहा है कि जब ऋतिका को फ्लैट से फेंका गया तो जमकर हाथापाई हुई है और उसके बाद उसे फेंका गया है, हत्या का ये मामला बताया जा रहा है। अलग अलग खुलासे हो रहे हैं, आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं आगरा के इस ब्लॉगर मर्डर केस में और एक और वीडियो सामने आने से इस केस में और मदद मिल सकती है, कुछ सुराग भी पुलिस के हाथ लग सकते हैं इस वीडियो सामने आने के बाद। तस्वीरों में देखा जा सकता है किस तरह से सारा सामान बिखरा पड़ा है और ऐसा माना जा रहा है कि जमकर हाथापाई हुई है, कोई ऋतिका से मिलने आया, किसी बात को लेकर विवाद हो गया जिसके बाद जमकर हाथापाई हुई, सारा सामान बिखरा और उसके बाद उसे फ्लैट से फेंक दिया गया। तो ब्लॉगर मर्डर केस इस वक्त सुर्खियों में बना हुआ है। आगरा का ये केस लगातार सुलझता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि नए नए साक्ष्य निकल के सामने आ रहे हैं और इस खबर पे हम ऐसे ज्यादा बातचीत के लिए आगरा से संवाददाता जिशान जुड़ चुके हैं। जिशान, जिस तरह से ये वीडियो सामने आया है इससे पुलिस को कितनी मदद मिलेगी, पूरे जानकारी चाहेंगे। जिशान, आप मुझे सुन पा रहे हैं? संवाददाता की आवाज हमें नहीं मिल पा रही है। गाजियाबाद के मुरादनगर में भिक्कनपुर गांव में सिर में गोली लगने से युवक की मौत हो गई और खेत में ट्यूबवेल के पास उसका सिर में गोली लगा शव पड़ा मिला था। आशंका जताई जा रही है कि गोली मारकर युवक की हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आज थाना मुरादनगर के ग्राम भिक्कनपुर में एक व्यक्ति का शव मिला है जिसकी पहचान जतिन पुत्र लोकेश के रूप में हुई है। इसकी मृत्यु सर में गोली लगने के कारण हुई है। पास में ही एक तमंचा भी मिला है और प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इसके द्वारा आत्महत्या की गई है। फील्ड यूनिट के द्वारा जो भी वैज्ञानिक साक्ष्य हैं वो इकट्ठा किए गए हैं और उनकी रिपोर्ट आने के बाद मैनपुरी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है जहां पुलिस ने 45,000 के इनामी बदमाश को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। वहीं पकड़े गए आरोपी के ऊपर पहले से ही कई मुकदमे दर्ज हैं। थाना अंतर्गत वाहन चेकिंग का आदेश दिया गया था। वाहन चेकिंग के दौरान एक बाइक से दो बदमाश जा रहे थे, इनको जब रोकने की कोशिश किया गया तो ये भागे, पुलिस ने इनको पीछा किया। पीछा करने के दौरान इनके द्वारा पुलिस पे अटैक किया गया। अटैक में SO दन्नाहार के ऊपर अटैक किया गया जो बुलेट प्रूफ जैकेट से बचत हुई। पुलिस ने फिर उसके बाद से आत्मरक्षार्थ गोली चलाया जिसमें एक भिन्ना उर्फ ईश्वर नाम का अपराधी घायल हुआ जिसको चिकित्सकीय उपचार के लिए जिला अस्पताल रवाना किया गया है। इसका एक साथी जो फरार हो गया था जमील, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस संबंध में उल्लेखनीय यह है कि इस भिन्ना के ऊपर फिरोजाबाद से 20,000 का इनाम घोषित है और साथ ही यहां मैनपुरी से भी 25,000।
गाजियाबाद के मोदी नगर में मासूम बच्ची को खेलते वक्त मोबाइल पर अश्लील वीडियो दिखाकर छेड़खानी करने के मामले में आरोपी का मुंह काला कर क्षेत्र में घुमाने का मामला सामने आया है। घटना से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और थाना प्रभारी योगेंद्र सिंह ने बताया कि मामले में किसी भी प्रकार की कोई तहरीर नहीं मिली है, लेकिन वीडियो की जाँच की जा रही है। रायबरेली शहर के घंटाघर के पास गैंगस्टर फैजान समेत तीन शातिरों की लगभग 11 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क कर ली गई है। पुलिस और प्रशासन अधिकारियों ने डीएम माला श्रीवास्तव के आदेश पर यह कार्रवाई की है। वहीं भारी पुलिस बल के साथ सिटी मजिस्ट्रेट पल्लवी मिश्रा, सीओ सिटी वंदना सिंह भी मौजूद रही। इस कार्रवाई से जिले में हड़कंप मच गया है। मैडम अभी क्या कार्रवाई हुई और कौन कौन थे और कितने की संपत्ति है लगभग? ये गैंगस्टर एक्ट 14(1) के अंतर्गत जेबा और फैजान के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसमें तीन भवन हैं, भवन संख्या 9, 11 और 13, जिसकी कुर्की की जा रही है। संपत्ति लगभग 11 करोड़ 22 लाख की है। इसके अतिरिक्त एक कार भी है जिसे कुर्क किया जाएगा, वो 8 लाख। क्या मैं मारू ये सब अवैध रूप से अर्जित बदायूं में बिसौली उप जिलाधिकारी ज्योति शर्मा की जन समस्याएं सुनते समय अचानक तबियत बिगड़ गई। मौके पर बिसौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उन्हें भर्ती कराया गया, जहां बिसौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है। चार साल एक महीने एक दिन बाद शाहजहांपुर से पीलीभीत के लिए पहली ट्रेन रवाना हुई। ये ट्रेन 2 घंटे 35 मिनट में पीलीभीत पहुंचाएगी। ट्रेन संचालन को लेकर यात्रियों के साथ साथ रेल कर्मियों में भी जबरदस्त उत्साह है। शाहजहांपुर स्टेशन अधीक्षक पीएस तोमर ने जानकारी देते हुए बताया कि ब्रॉडगेज के लिए शाहजहांपुर पीलीभीत रेल पथ पर 3 मई 2018 को रेल संचालन बंद किया गया था। अगस्त 2021 में विद्युतीकरण का काम पूरा हो गया था और अब 2 जुलाई 2022 से ट्रेन संचालन शुरू हो गया है। आज से जो है पीलीभीत के लिए शुभारंभ हो गया है 2 जोड़ी गाड़ियों का। एक गाड़ी यहां से सुबह 7 बजे जाएगी पीलीभीत के लिए और एक गाड़ी शाम को जो है 16 बजे रवाना होगी और उसी ही क्रम में सुबह 7 बजे पीलीभीत से शाहजहांपुर के लिए भी गाड़ी आएगी और एक शाम को 16 बजे उधर से रवाना होगी जो यहाँ 6:50 पे आएगी। सुविधाएं अभी जनरल ट्रेन ही चलाई गई है, बाकी अभी आगे प्रयास है इनका कि काशी के घाटों पर नमामि गंगे गंगा विचार मंच की देखरेख में स्वच्छता अभियान चलाया गया। संस्था के कई कार्यकर्ता भदैनी घाट से तुलसी घाट तक लोगों को जागरूक करते हुए दिखाई दिए। लोगों से गंगा तट पर किसी भी प्रकार की गंदगी ना करने की अपील की गई है। ओएफसी के स्टेट में राजीव सिंह के आवास पर रोमियो के फंडे लाजवाब फिल्म का प्रमोशन हुआ। फिल्म का प्रमोशन करते हुए हीरो, लेखक और निर्देशक शाहजहांपुर पहुंचे और एसएसपीजी कॉलेज के इतिहासकार प्रोफेसर डॉक्टर विकास खुराना ने फूल माला पहनाकर स्वागत और सम्मान किया। इस दौरान जानकारी देते हुए फिल्म के हीरो और अन्य लोगों ने बताया कि रोमियो के फंडे लाजवाब 8 जुलाई 2022 को रिलीज हो रही है। नमस्कार, मेरा नाम अमित चांदपुरी है। मैंने इस फिल्म का निर्देशन किया है और इसमें लीड एक्टर का रोल प्ले किया है और मेरे साथ शाहजहांपुर के सभी कलाकार, बहुत ही बेहतरीन कलाकार यहाँ के हैं। शाहजहांपुर इतना खूबसूरत शहर है कि यहाँ पर जब पहली बार हम रेकी करने आए तो हमने देखा बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर, जैसे वॉल ग्रेफिटी बहुत सुंदर है, साफ़ सफाई बहुत थी, ठीक है, हनुमत धाम जैसी खूबसूरत जगह
और काली माता का मंदिर, ये सब जगह हैं। और साथ में जो थिएटर के कलाकार थे बहुत ही बेहतरीन इन्होंने काम किया है। ओपी वर्मा जी यहाँ से हैं, डॉक्टर विशाल पांडे, शैलेंद्र, सुमित, राजीव सिंह भारत, बहुत बेहतरीन इन्होंने गाना भी दिया है एक फिल्म में। ज्ञापन कामयाब हुआ, इसमें अपने यहाँ के डीएम साहब का बहुत सपोर्ट रहा और अंबा सिनेमा के जो प्रबंधक लोग हैं उनका भी काफ़ी कोऑपरेशन रहा। उनको कुछ कन्फ्यूजन्स थी और बाद में जब हम लोग उनसे मिले तो उनकी वो कन्फ्यूजन्स दूर हो गई। और जिला प्रशासन ने भी इसमें बहुत सराहनीय भूमिका प्ले की। हम लोगों का शुरू से ये मानना है कि शाहजहानपुर अपने आप में एक अद्भुत शहर है और हिस्टोरिकल रूप से जब हम लोग इसको देखते हैं तो ये अद्भुत शहर रहा भी हुआ है। ये इत्तेफाक से हमारे अमित चांदपुरी जी शाहजहाँपुर पधार गए हैं अपने मित्रों के साथ में, तो मैंने इनका स्वागत कर दिया अपने ही निवास पर। अच्छा लगा मुझे कि शाहजहाँपुर में पधारे हैं हमारे अमित चांदपुरी जी, रोमियो के फंडे लाजवाब। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।